आपका नाम? सोनल कुमार। क्या बनना है? पढ़ लिखा कर्नल बनना है। कर्नल आर्मी ऑफ इंडिया। कर्नल हमको तो गर्दन सुनाई दिया, किसका गर्दन बनते? कर्नल बनना है। एक बार तलवीन के लिए नाम क्या पड़ेगा आपका? पापा का नाम वकील है। क्या बनना है? आर्मी। बहुत बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। घर जगदीश कुमार। क्या बनना है? पढ़ लिख सोच रहे हैं अभी? टीचर जी। हाँ हाँ। नाम छोटे लाल। व्हाट इज योर नेम? छोटे लाल महीने में छोटे लाल। हाँ हाँ आप बताइए, हु आर यू? हमारे बिहार के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे भी इंग्लिश बोलते हो सके। ठीक है, देखिए मेरा कोई विषय कमजोर नहीं है, संस्कृत तक मैं इतने अच्छे से पढ़ाता हूँ कि बच्चे जानते हैं पूरे फुल्ली मार्क्स। हमने चैनल बदलेगा तो आपको पता चलेगा हर क्लास के बच्चे इंग्लिश सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं, सिर्फ उर्दू छोड़कर, उर्दू का नॉलेज नहीं हमको। हाँ चलिए, क्या नाम पड़ेगा आपको? ओम कुमार। क्या बनना चाहते हैं? पुलिस। क्या? पुलिस। बहुत बढ़िया। हाँ क्या नाम पड़ेगा आपका? मेहा कुमारी। अच्छा अच्छा। पापा का नाम? बंगाली। थाना? थाना। आपका क्या नाम है? सबराम खातून। और से बोलिए सबराम खातून। घर? और गाड़ी। पापा का नाम? आशिक अंसर। क्या बनना है? पढ़ लिखा लिखोगी? बहुत बढ़िया। नाम? अंजलि कुमारी। पापा का नाम? मथुरा। क्या बनना है? पढ़ लिखा टीचर। बहुत बढ़िया। आपका नाम? अंजलि कुमारी। घर? बंगाली। पापा का नाम? बिरेंदा राय। क्या बनना है? पढ़ लिखा टीचर। चलिए हाँ तब चूज करके हम शुरू करते हैं। तब तक एक और टीम बचा है और इस टीम के धांसू बच्चे हैं। राधे राधे लिखे हैं कपार पर, उससे बने नाकों पर लिखते हैं तो अच्छा रहता है, मुंह को उतार लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सनी कुमार। क्या बनना है? पुलिस। घर? गंगा। पापा का जिला? जिला। नाम? गुड्डू अंसर। आप बनना क्या चाहेंगे? सिंगर। सिंगर। बहुत बढ़िया, अच्छा गाना गाते हैं। भविष्य में क्योंकि अपने छपरा जिला का एक भैंस चलाने वाला लड़का है, वो नंबर कटा है खेसारी लाल यादव। हेलो सूरज। हेलो हाँ आपका नाम? सूरज। पापा का नाम? इतना दांत। हेलो हाँ क्या बनना पढ़ लिखकर? टीचर। बहुत बढ़िया। आपका नाम? राकेश कुमार। पापा का नाम? हेलो। मम्मी का नाम? हेलो सुनीता। घर? जिला? हेलो जिला। हेलो हेलो। थाना? हेलो। बहुत बढ़िया। क्या बनना पढ़ लिखकर? आर्मी। आर्मी बहुत बढ़िया। यहाँ सबसे टीचर डॉक्टर आर्मी और दो चार पीस कलेक्टर आईपीएस अधिकारी है, दो चार को ही बन जाएगा तो अपने जिला को बदल के रख देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ मार्किंग किया जाए। हेलो मिथुन सर। बस यही टीमें हैं, इनमें जो जीतेगा जीतेगा संग आप लोग रेडी है? जो 10 मिनट के अंदर में एक क्विज कार्यक्रम आप लोग खत्म कर देंगे। फास्ट चलेगा, क्वेश्चन टाइम मात्र 5 गिनेंगे, इससे ज्यादा नहीं, याद रखिएगा। रेडी है? पहला क्वेश्चन, शुरुआती क्वेश्चन और सबसे सिंपल क्वेश्चन, बताइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? एक दो तीन चार साढ़े चार। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? जल्दी बोली जाए। H2O3। और यहाँ से -5 लगता है, इनका शुरुआती दौर ही रंग -5। अब इसका लाभ आप उठाएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? मैक मैक के ग्रुप से डिस्कशन करके। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र एक दो तीन चार साढ़े चार। जल्दी टाइम खत्म होने वाला है, इतना भीड़ जिलेबी खाने के लिए। 4 into 2 H2O।
नाम है आपका? हाँ हाँ सही है सही है। फिर से बोले, हाँ बोले बोलिए फिर से, नहीं सुने। और यहाँ से इनको भी माइनस देते हुए सल्फ्यूरिक सूत्र, सल्फ्यूरिक का सूत्र, सल्फ्यूरिक ऑडियंस को नहीं जाएगा। चलिए ऑडियंस को क्वेश्चन पूछे। हाँ छोटी बच्ची, छोटी बच्ची, छोटी बच्ची नहीं है कोई, बहुत बढ़िया। आइए स्टेज पर, हम अगर सामने करो। राजकुमार शर्मा जी से बोलना चाहूंगा, इस बच्ची को सम्मानित कर दीजिए। ए वीडियो वो धरा सा नहीं रे कोनो करो ना हमरे से नहीं। ए करिश्मा ए वीडियो कर नहीं दे। नाम बता दे, इधर तक नाम। सेमी कुमारी टीचर। हेलो बात करिए। हां जी सोनू सवामी सरकार रे सोनूआ। ए वीडियो चलिए सर जी के सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। तो बताना है, बताना है कि मीराबाई किस भगवान की भक्त थी? हमरो याद, हमरो याद, हमरो याद। मीराबाई तो जानो जल्दी। एक श्री कृष्ण और एक भगवान। हाँ जी मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी। बताएगा मीराबाई किससे प्रेम करती थी, किन से? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से। बहुत बढ़िया करेक्ट। हाँ जी आप लोग बताएंगे नॉर्मल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल बता रहे हैं। अकबर का संरक्षक कौन था? हाँ अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। बैरम खान करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, अकबर का संरक्षक बैरम खान था। तो आप लोग बताना है गाय करुणा की कविता है किसने कहा? गाय करुणा की कविता है किसने कहा? गाय करुणा की कविता है किसने कहा? 1, 2, 3, 4, 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
पास ऑडियंस बैक लड़का छोटा बच्चा छोटा छोटा है। हाँ जी गाय करुणा की कविता किसने कहा? महात्मा गांधी कौन है? बहुत बढ़िया इधर मम्मी के नंबर के लिए लग मार के लिए हाथ का नोट ले रहे बकरे को उठा दो तो मिल जाते कॉपी कलर बहुत बढ़िया। अब हम फास्ट चलेंगे। हाँ खेला में आते हैं बताइए क्रिकेट के एक बॉक्स में कितने खिलाड़ी होते हैं? खिलाड़ी होते हैं सोच समझ कर आप उदाहरण दे क्रिकेट के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी? ग्यारह। सोच लीजिए ठीक है सोच लीजिए ठीक है बहुत बढ़िया प्लस क्रिकेट के एक पक्ष में 11 खिलाड़ी तो कबड्डी के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन नहीं जो आपने निकल देगा। क्रिकेट के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी? 7, 9, 11, 16 अभी ऑडियंस के पास नहीं आया मैं जानता हूँ छोटे छोटे बच्चे जानते हैं पास हो जाता ना 1, 2, 3, 4, 5, 7 सोच लीजिए सोच लीजिए सोच लीजिए बहुत बढ़िया यदि क्रिकेट के एक पक्ष में खिलाड़ी साथ होते हैं तो उस खेल का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक खिलाड़ी होते हैं। इस खेल का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक खिलाड़ी होते हैं जल्दी सोच समझ लीजिएगा। एक रॉन्ग साइकिल से पीछे कर देगा। रग्बी फुटबॉल रग्बी फुटबॉल सोचिए लॉक कर दे चलिए इनको -5 नहीं लगाया जाए प्लस 10 दिया जाए बहुत बढ़िया चलिए बताना है रामचरित मानस के लेखक यानी जो ऊपर रामचरित मानस के लेखक तुलसीदास है तो बताना है कादंबरी के लेखक कौन है हिंदी का सराज किसी का कादंबरी के लेखक कौन है
बहुत बढ़िया। कादंबरी के लेखक वान भट्ट, तो कमायनी के लेखक कौन? कमायनी, 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 कमायनी के लेखक कौन है? जय शंकर प्रसाद कौड़े। आप बताएंगे आधुनिक युग का मीरा किन्हें कहा जाता है? आधुनिक युग का मीरा भीष्म को, किनको? भीष्म को, भीष्म को, भीष्म को, सही सही। ऑडियंस, आधुनिक युग का मीरा छोटी बच्ची, आधुनिक युग का मीरा, हाँ बोलिए, माँ देवी वर्मा, कॉरेक्ट, बहुत बढ़िया। आइए पंडित जी, आइए, हाँ सुनिए, कमायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, तो गंगा पुत्र महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किन्हें पुकारा गया? इसमें तो इसमें सोच लीजिए, ठीक है, लॉक कर दे, लॉक कर दीजिए, पक्का पक्का, फाइनल फाइनल, लॉक कर दे, दम नहीं खा रहा है, फिर बहुत बढ़िया, लॉक कर दिए, प्लस दस, बहुत बढ़िया। बताइए कंप्यूटर का डिफिनेशन, एक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके लिए यू टू टेक डेटा प्रोसेस एंड गिव इंफॉर्मेशन होता है, तो कंप्यूटर के पिता, फादर्स ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज कॉल, एक बहुत बड़े प्रश्न किया गया। हाँ बताइए, बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन किए, बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन किए, तो बताना है लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया? मैक, थॉमस एल्वा, थॉमस एल्वा, थॉमस एल्वा, लॉक कर दे, हाँ प्रश्न किया जाए, बहुत बढ़िया। हाँ लाउड स्पीकर का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन किए, तो बताना है साइकिल का आविष्कार किसने किया? मैकमिलन ने, मैकमिलन, प्रश्न किया जाए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बायोलॉजी का क्वेश्चन, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? इसमें ऑप्शन देंगे आपको, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? त्वचा, पित्यत्री ग्रंथि, यकृत, किडनी, यकृत, प्रश्न दिया जाए। हाँ आप बताइए, आंख के आंसू से यदि नमक निकलता है तो बताना है खून का पीएच मान कितना होता है? जल्दी, खून का पीएच मान 7, आपके पास 4 राउंड और बचे हुए, अंतिम राउंड आप लोगों के लिए महंगा पड़ेगा, सब उच्चारण वही आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसा वर्ड दूंगा। चलिए, हाँ जी बता रहे हैं दांत 4 प्रकार के, तो फाड़ने वाला दांत का क्या नाम है? ऑप्शन भी दे सकते हैं बोलेंगे तो, ऑप्शन सुनना है। चलिए, खतरनाक, भेदक, अगर चौनक, चौनक, फाड़ने वाला दांत का नाम बताना, फाड़ने क्या, भेदक, भेदक, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ हाँ जी, आप लोग एकदम सिंपल क्वेश्चन रहेगा, बताना है आलमगीर के नाम से किस शासक को जाना गया? खतरनाक शासक था, मुगल वंश का शासक था, आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना गया? आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक को उपाधि दिया गया या पुकारा गया? जल्दी, 1, 2, 3, 4, 4.5, और बस कई सारा। आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक को पुकारा गया?
शासक था जिसके दिल में थोड़ा सा भी प्रेम नहीं था, क्योंकि अकबर राष्ट्रीय शासक घोषित किया गया। अच्छा आप लोगों का क्वेश्चन है, आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक को पुकारा गया? नहीं, जब एक को ऑप्शन मिले दूसरे को नहीं देंगे, पहले को नहीं मिला तो दूसरे को भी नहीं मिलना चाहिए। जल्दी आलमगीर के नाम से किस शासक को पुकारा गया? चले दूसरा क्वेश्चन, औरंगजेब क्वेश्चन बता दिया गया, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि बात यहाँ पर साइकिल की है। और हर बच्चा अभी हम पूछवा देना चाहेंगे, आप लोग रात में पढ़े हैं या नहीं? 12 बजे दिन पर हाथ रख के बोलिए। 12 बजे रात सारा बच्चा चूज कार्यक्रम को लेकर रातों भर तक का मेहनत किया है लोग, इसलिए इसमें नो। चलिए किसे क्वेश्चन बताइए, यदि औरंगजेब को आलमगीर से पुकारा गया, बताना है अशोक किस वंश का शासक था जो कलिंग तक को जीत लिया था, जिसके एक पैर रखते रखते ईरान और अफगानिस्तान और मौर्य वंश, मौर्य वंश सोच लीजिए, सही है सोच लिए। हाँ बहुत बढ़िया, सबसे महान शासक के नाम से प्रसिद्ध है अशोक, सम्राट अशोक। हाँ बताना है, हेलो, यदि अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट है तो बताना है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अच्युत राय, कृष्णदेव राय। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन कृष्णदेव राय, बोलिए चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत बढ़िया, चलिए यही धनानंद को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना किए थे। हाँ जी, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक ऑप्शन देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहदत्त। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक। और ये सारा क्वेश्चन कलेक्टरी की पढ़ाई में आईपीएस आईएएस के अधिकारी में और बड़े बड़े पदों में करी जाती है। मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक चंद क्या बिंदुसार सोच लिए लॉकर में, और यहाँ पर इनको प्लस 10 नहीं लगाया जाए, -5। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था सुन लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहदत्त। अशोक लग कर दे, हाँ, और इनको भी मैं स्टाइप लगाया जाए। सबसे छोटे बच्चे कौन है? अच्छा चलिए, क्या बोलेंगे इधर से आइए, पहले अपना नाम बता दीजिए। अनिकेत यादव। बोलिए मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। बृहदत्त बहुत बने बन गए, ताली बजा दीजिए, आइए स्टेज पर। होता है पढ़ने के बाद भी बच्चे जवाब नहीं दे पाए। चलिए बहुत बढ़िया, आइए आइए। हेलो, कितने क्लास जाएंगे? क्या बनना है? क्रिकेटर। हाँ, बिहार का नाम रोशन कर दीजिए। चलिए समझ के, एक गलती क्वेश्चन पीछे। अभी कितना राउंड बचा हुआ है? एक राउंड, दो राउंड, समझ के ये अंतिम प्रूफ है। हाँ जी सुनिए ध्यान से, बताना है सबसे अधिक खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में होता है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जो एक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाया था। रोहित शर्मा 364 रन।
क्या किसी रोहित शर्मा नहीं खेल एक दिन में 264 रन मार देगा। फिल्म देखिए, फिल्म भी देखनी बुरी बात नहीं है, आदमी को हर काम करनी चाहिए, फिल्म से बहुत सारी चीज सीखने को मिलता है। हाँ चलिए, हाँ आप लोग बताएंगे रोहित शर्मा 264 रन बनाए थे, बताना है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है तो हॉकी का जादूगर किनको कहा जाता है? सोच लीजिए, सोच कर जवाब देना है। जो दो राउंड है और ये एक ऐसे खिलाड़ी थे जो जर्मनी के शासक हिटलर को भी हिलाकर रख दिए थे। हिटलर बोला कि भारत तुमको कुछ नहीं दे सकता है, ये बोले कि भारत हमको दे या न दे भारत की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। उस इंसान का नाम बताइए। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी किनको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, आपका जवाब गलत। सोच लीजिए, सही है। सोच लीजिए, सही है। लॉक करते हैं। सही। पक्का? पक्का। और एक? और एक। लॉक किया जाए तो? बहुत बढ़िया। प्लस दस। लास्ट राउंड। एक किसी की गलती पीछे जा सकता है साइकिल से। हाँ जी। और उच्चारण स्थान ध्यान से, पांच बार सुनिए। घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया, 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 पांच बार। बस कोशिश भी नहीं करेंगे, कोशिश भी। अरे एक रेशम जिसको काट देती है। घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया, घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया, घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया। पर अक्कर पर ध्यान देना है। घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया, पांच बार। वाह, दोनों का जवाब यही दिया, इसके पिछले वाले का भी यही जवाब था। हाँ जी, आप लोग शादी का कार्ड पढ़ते हैं? है? वो तो टुंड महकाया, वो तो टुंड महकाया, महकाया नहीं महकाया, वो तो टुंड महकाया, पांच बार बढ़िया से। वक्र टुंड महकाया, उच्चारण बता रहे हैं विसर्ग। वक्र टुंड महकाया, जल्दी हिरण मैन सदस्य पिता मुखम तत्व पुष्प संस्कृत है, उच्चारण कर जल्दी। एक दो तीन। वक्र टुंड महकाया, वक्र टुंड महकाया, थोड़ा सा ना मैं हाँ जी, विजेता शामिल है साइकिल का देखेंगे। अंत में 10-25 का डांस होगा कंपटीशन, 10 में जो सबसे अच्छा डांस करेंगे साइकिल देंगे, वो देख कर जाएंगे लोग। हाँ 4:30 पूर गया, टाइम खत्म कर रहे हैं। वो कृष्ण महकाया, 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 बोले महकाया, अंत में हो आना चाहिए। हाँ जी, कौन उच्चारण करेंगे? वो कृष्ण महकाया, लड़की को मौका देते हैं। हाँ सुनिए ध्यान से, वक्र टुंड महकाय, अंत में हक का उच्चारण स्थान आना चाहिए, यहाँ पर ध्यान देना है। वक्र टुंड महकाय, वक्र टुंड महकाय, वक्र। और कोई? ओके ओके, हाँ हाँ, ध्यान दीजिए, सुनिए पहले। वक्र टुंड महकाय, वक्र टुंड महकाय, वक्र टुंड महकाय, अंत। हेलो हेलो, वक्र टुंड महकाय, वक्र टुंड महकाय, वक्र।
पागल है क्या? ये विचार कौन सा है भाई? इधर से अड़िए अड़िए हाँ स्वस्थ के क्योंकि इसमें एक और उच्चारण स्थान था वह कैटून महाकाय यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है वह कैटून महाकाय वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय वक्र में गलती वक्र बोलती है थोड़ा सा गड़बड़ चले जाएंगे हाँ बलिया आप वक्रतुंड महाकाय वक्र महाकाय बोल रही है महाकाय और कोई वक्र टुंड महाकाय वक्र टुंड महाकाय वक्र और कोई नहीं है इधर से मकसूद बोलिए वक्र टुंड महाकाय वक्र टुंड महाकाय वक्र टुंड महाकाय लगभग लगभग सही दिया जाएगा चलिए बहुत बढ़िया चलिए कमेंट कर दिए इनको ऐसा वर्ड था कि बच्चे चीटा जा रहे हैं बहुत बढ़िया अब रियल घोषित हो रहा है करो या मरो करो या मरो बहुत बढ़िया आपको मिला है पता है वो कितना नंबर मिला क्या विजेता बनते हैं विश्वास है अपने आप पर कॉन्फिडेंस है जीत रहे आप लोग बपरे और आप लोगों को मिलता हुआ 100 में सबसे कम नंबर मिला अभी तक 75 नंबर और 75 कम नहीं होते एक बार जोड़ जाता नहीं क्या आप लोगों को पता है कितना नंबर मिला है नहीं पता है नहीं जीत रही है पहले ही विश्वास हो गया गलती ज्यादा कर दी आप लोग चलिए इनके टीम का नाम है बंगाली टीम आप लोग बंगाली के रहने वाले हैं चलिए 45 नंबर 60 नहीं मिले क्योंकि एक क्वेश्चन गलती करने पर 15 नंबर कट जाते हैं एक नंबर ही हाँ और आपके टीम का नाम दगन सर पता है कितना कितना 35 विजेता बने आप लोग और इनको मिला है 20 नंबर दबंग सरकार को और यहाँ से विजेता बनते हुए दो नहीं करो ये मरे बता लीजिए आप लोग ये दे जवाब पधारेंगी बहुत बढ़िया करत करत पर अभ्यास के जड़मती होत सुजान रस्सी आवत जात के दिल पे परत निशान दस मिनट और उनको टाइम दीजिए आप लोग रास्ता आप लोग खाली कीजिए इसके बाद हटिए 10 बच्ची का डांस होगा साइकिल बांटेंगे जिलेबी बांटेंगे बेलगा देंगे प्यार से बोलेंगे अपने भाई बहनों को जाने के लिए हाँ